साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप किसी के बारे में हर समय सोच रहे होते हैं तो यह सत्य है कि वह इंसान भी आपके बारे में जरूर सोच रहा होगा। साथ ही साथ यदि आप अपनी फीलिंग छुपाएंगे तो आप उस व्यक्ति के लिए और भी ज़्यादा प्यार महसूस करते जाएंगे। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप किसी को खुश देखने के लिए किसी भी प्रकार की हद तक जाने को तैयार रहते हैं तो इसका मतलब आप उसके गहरे प्यार में हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब भी आप अपनी प्रेमिका या प्रेमी के साथ होते हैं तो आपकी चाल खुद ब खुद धीमी हो जाती है। आप उनके साथ अधिक समय बिताने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, फिर चाहे यह बात आपको खुद भी न पता हो। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान के लिए प्यार का नशा कोकीन के नशे जैसा है। प्यार में पड़ा इंसान दूसरी परिस्थितियों को समझने की शक्ति खो देता है। साइकोलॉजी के अनुसार सामान्य इंसान अपने जीवन में शादी से पहले 7 बार जरूर किसी अन्य के लिए प्यार को महसूस करता है। साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई लड़की किसी लड़के को धोखा देती है या फिर उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है तो दर्द किसी को भी चोट जितना होता है। साथ ही ब्रेकअप के समय हुआ दर्द पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार प्यार में पड़ने के बाद आपकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों से भी दूर हो जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार प्यार में धोखा देने वालों की आईक्यू कम होती है। साथ ही एक आंकड़ा यह भी है कि लव मैरिज करने वाले व्यक्तियों में सिर्फ 25% ही खुशी से जीवन व्यापन साथ में कर पाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार शरीर में ज़्यादा सुंदर चेहरा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। साथ ही किसी भी व्यक्ति के बारे में हम कुछ ही मिनटों में अपनी धारणा बना लेते हैं कि वह अच्छा है या नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार लव मैरिज 18वीं सदी में शुरू हुई थी, जिसके बाद ये आज तक हमारे समाज में इसके खिलाफ लोगों की संख्या ज़्यादा है।